बुधवार को वर्धमान नगर स्थित स्वामीनारायण स्कूल के सामने लगभग 300 से 400 अभिभावकों ने स्कूल फीस वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान अभिभावक नारेबाजी करते हुए नजर आए। कोरोना काल में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, उसके बाद सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। इसका फायदा लेते हुए स्कूलों ने अभिभावकों से फीस वसूलना शुरू किया। ऐसे ही एक स्कूल है स्वामीनारायण स्कूल वर्धमान नगर, जहां बुधवार को सुबह फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगभग 400 से 500 अभिभावक सुबह स्कूल के सामने नारेबाजी करते नजर आए। अभिभावकों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से स्कूल प्रशासन फीस के लिए बार बार छात्रों को मैसेज कर रहे हैं। कुछ अभिभावकों ने फीस भरी है और कुछ लोगों ने नहीं भरी, जिसके चलते फीस नहीं भरने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप से रिमूव कर दिया है, जिसके चलते अभिभावकों में और छात्रों में भारी रोष है। माझे तीन मुलं आहेत, एक आठवीला आहे, एक नववीला मुलगी आहे आणि एक ट्वेल्थला आहे। ऍक्च्युली आम्ही फीस नाही भरली, फीस भरण्यासाठी आम्हाला वारंवार प्रेशर देत होते की तुम्ही फीस भरा म्हणून, तर फीज नाही भरली तर आमच्या मुलांना कालच ऑनलाईन क्लासेसमधून पण हटवलं आणि माझी मुलगी जे 9th आहे हस्ती पंचमती आहे तिला स्कूलमध्ये पाठवायचं नाही म्हणून साफ शब्दातमध्ये टीचरने सांगितलं फीज नाही भरू शकत तर स्कूलमध्ये पाठवायचं नाही। ॲक्च्युली स्कूलवाल्यांनी 25% लेस केलेली आहे, 75% भरायची आहे। हस्ती पंचमती आहे आणि आदित्य पंचमती आहे, 8th आहे आणि 9th आहे, आणि जे 12th आहे त्यांची 100% त्यांच्यामध्ये लेस नाही केलेली आहे फीस। माझं एवढंच म्हणायचं आहे की यावर्षी लॉकडाऊनमुळं सगळ्यांचे व्यापार ठप्प बसलेले आहे, तर कंडिशन नाही आहे, काही काही पेरेंट्सचे पूर्ण पण भरण्याची कंडिशन नाही आहे, आणि ज्यांची आहे 50% लेस व्हायला पाहिजे जेणेकरून, आणि त्याच्यामध्ये वेळ मिळायला पाहिजे टीचर पेरेंट्सला भरण्यासाठी, आणि पेरेंट्स भरू नाही शकत त्याच्यामुळे ऑनलाईन क्लासेसमधून रिमूव्ह नाही करायला पाहिजे। हम यहाँ आए थे सब बच्चे पूरे पेरेंट्स जमा होके यहाँ की हमारी जो फीस बड़ी है उसको कम करने के लिए आए थे, और उनने जो बच्चों को अभी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी फीस न भरने की वजह से उनको क्लास से निकाल दिया गया था ऑनलाइन से, और उनकी पढ़ाई भी पूरी खराब हो रही है। उस वजह से हम ये चाह रहे थे कि उनको ऑनलाइन वापस ज्वाइन किया जाए, उनकी पढ़ाई लिखी जाए, और जो फीस बढ़ी हुई है उसको कम करके कम से कम 50% किया जाए उसकी, क्योंकि सबका नुकसान हुआ है, सबके पास काम नहीं था, सबकी नौकरी गई है, किसी का काम बंद हुआ है। उस वजह से हम ये चाह रहे थे कि हमारे भी कुछ सहूलत हो, कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी तरफ ध्यान दे के थोड़ा सा कुछ कम करे। उनने कहा है कि 8 दिन का समय दिया है, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो 8 दिन के बाद में वो बताएगी कि कितना कम कर सकते हैं। इस संदर्भ में जब स्कूल प्रशासन से पूछा गया तब उनके द्वारा जवाब दिया गया कि पहले ही स्कूल प्रशासन ने छात्रों की स्कूल फीस कम की है और ऊपर से जो 15% बढ़ानी थी वो भी नहीं बढ़ाई, लेकिन अब भी अगर कुछ अभिभावक स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए हमें हमारे मध्यस्थ कार्यालय में बात करनी पड़ेगी और जो डिसीजन लिया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। मना नहीं किया गया, पूरे साल भर लिया गया है, बहुत सारे पेरेंट्स पूरे पिछले के साल की भी फीस भरी नहीं थी, इसके वजह से हमको ये चीज़ का वो करना पड़ा, और वो भी हमारे दिल में ये नहीं है कि इनका ऑनलाइन बंद ही रखने का, हमारे दिल में ये भी आज भी है और कल भी रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, प्रोवाइडेड के पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। आज आपको एक बात बता देवे कि किसी स्कूल ने 25% सामने से हमने किया है लोगों को डिस्काउंट, 15% जो बढ़ाना था वो भी हमने नहीं करे है, टोटल ओवरऑल 40% का डिस्काउंट दिया गया, मगर उसके बावजूद भी पेरेंट्स चाहते कि और चाहिए। अब देखिए इसके लिए हमको हमारे मध्यस्थ कार्यालय में बात करनी पड़ेगी और जो डिसीजन आएगा वो हम आपको बता देंगे। बता दें कि शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने नागपुर की 15 स्कूलों का सरकारी ऑडिट करने का आदेश दिया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि इन 2 वर्षों में इन स्कूलों ने तकरीबन 100 करोड़ की गैर कानूनी वसूली पालकों से की है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।